इन्फॉर्म करना था, सॉरी रजनी दी, और ऐसा था कि सभी ने वीडियो बनाया, कोई बात नहीं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, अभी मैं हूँ अपने घर के बाहर, दरवाज़ा है क्योंकि उधर बच्चे काफ़ी हल्ला कर रहे थे और बाकी लोग भी है, तो मैं आ गई हूँ गेट के इस पार। और अभी शाम के बजे हैं 5 और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा नज़ारा है ना, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन के बारे में बात करने वाली हूँ। और अभी थोड़ा सा जो वीडियो मैंने शेयर किया, इन्हें तो आप जानती ही होंगी, इन्होंने ही, हालांकि मैंने जो वीडियो बनाया था नाम नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने ही रोस्ट किया हुआ था रजनी के वीडियो को, जो कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और काफ़ी लोगों ने, मतलब भला बुरा भी शायद कुछ थंबनेल लगाया था वो, जैसा कि वीडियो में बोल रही थी, तो मैं आगे शेयर की हूँ थोड़ा सा वो वीडियो। तो चलिए, खुशी इस बात का है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, उन्होंने अपनी गलती मान ली है और वो भी मतलब मजबूर थे इसीलिए शायद ऐसा वो रोस्ट किए हैं, जैसा कि वो वीडियो में बोले हैं कि काफ़ी टाइम हो गया था उनके चैनल को और 400 से पार उनके चैनल पर वीडियो है, मैंने देखा है। तो वो सिस्टर की भी मजबूरी रही होगी इसलिए उन्होंने इतना खतरनाक सा रोस्ट किया। और अभी देखिए अच्छे मतलब वो बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए व्यूज कितने अच्छे हैं। तो ऐसा होता है फ्रेंड कि जरूरी नहीं है बुराई करके ही हम व्यूज ले सकते हैं, अच्छे करके भी हम व्यूज ले सकते हैं। और अगर मिक्की सुमन जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए अभी आपने रोस्ट किया लेकिन फिर भी रजनी ने आपके वीडियो को सपोर्ट किया है ना। और अभी देखिए काफ़ी अच्छा आपके चैनल पे व्यूज आ रहा है, सब्सक्राइबर भी बढ़े होंगे। तो बस यही होता है, तो बस फ्रेंड यही होता है, वो एक गरीब परिवार से है जैसे कि हम भी है। और बड़े बड़े यूट्यूबर को आप परेशान हो जाओगे लेकिन वो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन रजनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो सबकी सपोर्ट करती है और सबकी मदद करती है। मैं भी उनसे गई थी मिलने तो मेरी भी उन्होंने सपोर्ट की और बस मेरी भी हेल्प हुई। तो फाइनली अभी झगड़ा आप लोगों का ख़त्म हो गया है, ऐसा आप लोग रोस्ट अभी नहीं कीजिएगा, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगी, बैकग्राउंड आवाज़ आएगा, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। शाम का टाइम है, गांव में चहल पहल रहती है, तो मैं जल्दी से सोची कि चलो जब मैंने वो वीडियो शेयर किया तो ये वीडियो भी ज़रूर से शेयर करूँ कि फाइनली सब कुछ सॉल्व हो चुका है। और अभी ऐसा क्योंकि ये ज़्यादा फेमस, मतलब इसलिए इनको रोस्ट किया गया ना कि मेन बात है इन्होंने बच्चों को ले आया था है ना, तो इसी से ऑडियंस को थोड़ा बुरा लगा और फिर आप पे भी वीडियो बनाया। रजनी दिल की बुरी नहीं है और जैसा भी है वो अपना रियल एड्रेस भी शेयर कर चुकी है, तो आप लोग जा सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने अपलोड किया हुआ है इनका एड्रेस, तो आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनका वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आखिर इनकी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने इतना खतरनाक रोस्ट किया रजनी को, तो आप लोग भी सुनिए, इसके बाद फिर सुनीता आगे वीडियो में बातें करेगी। बहुत सारे लोग बहुत गलत कमेंट किए, बहुत गलत वीडियो भी बनाए मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जैसा समझ आया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था कि सभी ने वीडियो बनाया, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक रजनी जी से मेरा एक ये था कि हम लोग वीडियो बनाए, बहुत दिनों से मेरा चैनल हो गया था, तो सोचे कि चलो एक इस तरह का प्रैंक वीडियो बनाया जाए ताकि कुछ ऑडियंस को ये कर पाए। तो वैसा कोई इरादा नहीं है ना रजनी जी से और ना सिमल से, मेरा कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कुछ इस तरह से है। और बहुत सारे लोग बहुत गलत थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, तो भाई लोग आप लोग ऐसा ना करें। और रजनी दी आपको तो पता है सारा कुछ, आप जानती हैं। तो वैसे रजनी दी भी मेरे लिए वीडियो बनाई और बहुत अच्छा व्यू किया, तो थैंक यू दिल से दी कि आपने वीडियो मेरे लिए बनाया और इतना सपोर्ट किया आपने मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो दी सॉरी इतना कुछ बोलने के लिए, तो सोचे कि हम लोग का झगड़ा ख़त्म हो गया, तो आप लोग का झगड़ा तो वैसे नहीं था ये एक, अब क्या बताएं, बस समझ जाइए आप लोग बस। जैसा कि फ्रेंड मैंने शुरू में वीडियो में बताया कि इस बहन की या दीदी की भी कोई मजबूरी होगी इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, तो देखिए फाइनली इन्होंने वीडियो में बता भी दिया कि इनकी मजबूरी थी
काफ़ी वीडियो हो चुके थे और व्यूज नहीं आ रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने कुछ मतलब अलग करने का सोचा, जिससे कि ये सबके सामने आए, ऑडियंस के सामने, और ये क्लिक मतलब करें इनके वीडियो को, कैसा क्या है इनके वीडियो में, क्लिक करें और जिससे कि इनको सपोर्ट मिले। तो बस यही उनकी मजबूरी थी। और जब इंसान बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, सबको मैसेज करके थक जाते हैं, तो लास्ट में वो मतलब कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो लोगों के नज़र में आता है। फाइनली इस सिस्टर ने भी वैसा ही किया और अभी लास्ट में फिर देखिए वो सॉरी भी बोल दिए हैं रजनी को, कि कुछ वो मतलब हट के करना चाह रहे थे, जिससे कि थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट मिला और फाइनली वो सपोर्ट भी मिला और रजनी ने भी उन्हें सपोर्ट किया। तो बस अब ये जो भी था रोस्टिंग का झगड़ा ख़त्म हो गया है फाइनली। अभी रजनी भी हैप्पी है, सुमन भी हैप्पी है, तो बस सब हैप्पी हैप्पी रहिए और हम भी हैप्पी है कि चलिए जो भी है, अभी बच्चे रोस्ट नहीं होंगे, हस्बैंड रोस्ट नहीं होंगे, क्योंकि ना फैमिली को रोस्ट किया जाता है तो बहुत ख़राब लगता है ना, ये चीज़ है। तो यही था फ्रेंड मेरा आज का छोटा सा वीडियो, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ, और सुनीता को भी सपोर्ट करें, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर नाम है सुनीता ब्लॉग, और मैसेज के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट का ज़रूरत तो हर एक किसी को होता है फ्रेंड। तो चलिए मिलती है सुनीता फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।